देश के विकास के साथ साथ पश्चिम बंगाल के समग्र विकास के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सतत प्रयास किए हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल को 15,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। 11,400 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में डीवीसी की रघुनाथपुर ताप विद्युत संयंत्र चरण 2 में 660 मेगावाट की 2 सुपर क्रिटिकल तकनीक से निर्मित परियोजना का शिलान्यास, पश्चिम बंगाल में औद्योगिक और आर्थिक विकास को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ आम जनता के लिए रोजगार सृजन के अवसर भी प्रदान करेगा। देश की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 4 अलग अलग चरणों पर एक साथ काम किया गया। प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्शन। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में 650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डीवीसी मेजिया ताप विद्युत केंद्र की 500 मेगावाट की 2 इकाइयों के फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन संयंत्र की रेट्रोफिटिंग प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणिक मानदंडों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग में 103 किलोमीटर के पुराने NH34 को 2000 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन में परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है, जिससे आम जनता के आवागमन में बड़ी सहूलियत होगी। पश्चिम बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली भारतीय रेल की 940 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए दामोदर मुहिशिला के 8.2 किलोमीटर लंबी रेल लाइन तथा बजारसो अजीमगंज जंक्शन की 42.15 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का दोहरीकरण के साथ साथ 29.48 किलोमीटर लंबी रामपुर हाट मुराराई तीसरी लाइन और अजीमगंज मुर्शिदाबाद की नई लाइन। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य सहित विकसित पश्चिम बंगाल के साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी।